इंशाअल्लाह। هرگز نمی سوزد، ابدیست. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است. چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا अली तुम्हारी शजात पे जुमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रजाएं सलाम कहती हैं, तुम्हें खुदा की रजाएं सलाम कहती हैं। यकीनन बहादुर मारे जाते हैं, ज़हीन पागल हो जाते हैं और दुनिया बेवकूफ़ों से भरी रहती है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू सरदार भाई 786 यूट्यूब चैनल। क्या ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जिंदा हैं या इस दुनिया से चले गए हैं? नाज़रीन, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी अज़रबैजान से वापस ईरान आ रहे थे तो उनका हेलीकॉप्टर रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। क्योंकि मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी और हर तरफ धुंध छाई हुई थी। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि उनका हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था उसका मलबा मिल चुका है। उस वक्त 50 से ज़ायद टीमें काम कर रही थी, उन्होंने मलबा ढूंढ लिया है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर से कई दफ़ा ईरान की अथॉरिटीज़ के साथ रब्ता भी किया गया, लेकिन काफ़ी घंटे गुजर जाने के बाद भी ना तो इब्राहिम रईसी का पता चल पाया था और ना ही उन अफराद का जो उनके साथ मौजूद थे। ईरान की जानब से पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बोला गया था कि हमारे सदर के बारे में दुआ कीजिए। सऊदी अरब का बयान सामने आया। सऊदी अरब का कहना है कि अगर ईरान को हमारी तरफ से किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। तुर्की का भी यही बयान सामने आया कि अगर ईरान को हमारी ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। पाकिस्तान का भी बयान सामने आया कि हम अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। इत्तेहाद के मुताबिक अमेरिका भी इस वाक़े पर नज़र रखकर बैठा हुआ है। जो बाइडन के इस हवाले से खसूसी ब्रीफिंग भी दी गई, लेकिन अमेरिका ने इस पर अभी तक कोई मौकफ नहीं अपनाया। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तेहाद के मुताबिक ईरान के सदर इब्राहिम रईसी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इब्राहिम रईसी इस दुनिया में नहीं रहे। नाज़रीन, जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी मौजूद थे उस हेलीकॉप्टर में 16 आदमियों के बैठने की जगह थी, एक पायलट और 15 मुसाफिर। इस हेलीकॉप्टर में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल हयान भी मौजूद थे। नाज़रीन, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी इस दुनिया से चल बसे हैं। ये हेलीकॉप्टर अज़रबैजान से ईरान की जानब आ रहा था। अज़रबैजान के बॉर्डर पर ईरान का जो इलाका है अज़रबैजान ईस्ट, इस जगह पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। नाज़रीन, आप यहाँ आप किस्मत देखिए, 3 हेलीकॉप्टर आ रहे थे। 2 हेलीकॉप्टर ईरान के प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल के लिए थे और एक ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर था। दूसरे 2 हेलीकॉप्टर आगे निकल गए और ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। और ईरानी की बात यह है कि जो 2 हेलीकॉप्टर आगे निकल गए थे वो अपनी मंजिल पर भी पहुंच गए, लेकिन उन्हें यह भी पता न चल पाया कि पीछे हमारे सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश कर चुका है। तकरीबन 20 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका था। लोग कह रहे थे कि वो जिंदा होंगे, वो जिंदा होंगे, काफ़ी उम्मीदें लगा रहे थे, लेकिन अब ये एक बात कन्फर्म हो चुकी है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। याद रहे कि वो 2021 में ईरान के सदर बने थे और अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया था और इस्लामाबाद में एक हाईवे का नाम ईरान हाईवे रखा था। याद रहे कि वो वाहिद मुसलमान उम्मा के लीडर थे जो फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे थे। वैसे तो हर मुसलमान मुल्क बोलता है ना कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं, हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन इब्राहिम रईसी फिजिकली तौर पर इसराइल के खिलाफ लड़ रहे थे और फ़िलिस्तीन को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहे थे। खैर नाज़रीन, अच्छे लोग इस दुनिया में बहुत कम अरसा गुजारते हैं। 2021 में इब्राहिम रईसी ईरान के सदर बने और उनके दौर में ईरान ने बहुत तरक्की। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना एक हादसा था या फिर सोची समझी मनसूबा बंदी के तहत किया गया। नाज़रीन, ईरान के सदर के साथ फॉरेन मिनिस्टर और मजीद 7 आदमी अल्लाह को प्यारे हो गए। नाज़रीन, ये हेलीकॉप्टर अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर था और इस हेलीकॉप्टर के साथ मजीद 2 हेलीकॉप्टर भी थे जो सदर के हेलीकॉप्टर के प्रोटोकॉल में थे। नाज़रीन, अगर इस हेलीकॉप्टर को धुंध की वजह से हादसा पेश आया होता तो बाकी 2 हेलीकॉप्टर कैसे अपनी मंजिल पर पहुंच। नाज़रीन, प्रोटोकॉल के हेलीकॉप्टर एक आगे होता है और एक पीछे होता है, और जिस हेलीकॉप्टर को प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है जिसमें ख़ास आदमी मौजूद होता है वो हमेशा दरमियान में होता है। और ये आप कैसे मुमकिन है कि 2 हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल पर पहुँच गए और वो हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मौजूद थे वो क्रैश कर गया
हादसा होने के बाद तकरीबन 22 से 23 घंटे ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें 50 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया और फिर जाकर मालूम हुआ कि हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्रैश हुआ है और इसमें मौजूद 9 के 9 आदमी शहीद हो गए हैं। दूसरी जानब इसराइल में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। इसराइल में इस वक्त खुशी का समा है क्योंकि ईरान ने वाहिद ऐसा मुल्क है जो इसराइल की खुलकर मुखालफत कर रहा है और ईरान ने इसराइल पर फिजिकली तौर पर हमला भी किया और इसराइल को इस वक्त सिर्फ ईरान से खतरा था और वो भी ईरान के सदर की वजह। ईरान के सदर गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान भी आए थे और इसराइल को इस बात पर शुबा आने लगा कि इब्राहिम रईसी पाकिस्तान भी आए और बाकी मुस्लिम ममालिक भी जा रहे हैं तो क्या कुछ आने तो नहीं जा रहा। खैर अल्लाह बेहतर जानता है कि हेलीकॉप्टर हादसे से क्रैश हुआ या फिर इसे क्रैश किया गया। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हजारे ख्याल जरूर फरमाइएगा और आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इब्राहिम रईसी जैसे हजारों लीडर पैदा करे और पूरी उम्मत मुस्लिमा को खास तौर पर ईरान को यह सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया।